अभी अभी आपने जो देखा वो उमरगांव और नारगोल बीच के सीन थे। उमरगाम, जिसे उमरगांव के नाम से भी जाना जाता है, वो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आया हुआ एक खूबसूरत शहर है। ये अपने क्लीन समुद्र किनारों के लिए और फिल्म उद्योग के लिए पर्यटकों में फेमस है। 2017 से यहाँ पर भारत का सबसे पहला नैनो टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला गया था। आज हम उमरगाम और नारगोल दोनों बीच को देखने आए हैं, जिसको कुछ समय पहले ही रिनोवेट करके यहाँ पर इको टूरिज्म बनाया गया है। तो चलिए जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं। ये उमरगाम टाउन है, जो बीच के एकदम पास में ही है। यहाँ से हम कई अलग अलग रास्तों से बीच तक जा सकते हैं। अभी हम मेन बीच की तरफ जा रहे हैं। और ये हम पहुंच गए मेन बीच पर। यहाँ आपको पार्किंग की काफी जगह मिलती है। बीच की तरफ जाने के लिए ऐसा वॉकवे बनाया हुआ है जो सनसेट के वक्त काफी स्टनिंग दिखता है। हमारे सामने ये सनसेट व्यू पॉइंट है। ये सभी पॉइंट्स प्रोटेक्शन वॉल के ऊपर बने हुए होने के कारण यहाँ पानी कम आता है। यहाँ के आकर्षणों में से एक मुख्य आकर्षण बीच के पास के सरू के बड़े बड़े पेड़ भी है, जो हमें दूर दूर तक फैले हुए दिखते हैं। इन पेड़ों की खासियत है कि यह समुद्र किनारे की हार्श कंडीशन को भी झेल जाते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो प्लीज कचरा सिर्फ डस्टबिन में ही डालें और इस खूबसूरत बीच का एटमॉस्फेयर खराब ना करें। यहाँ ज्यादातर लोग शाम को ही आते हैं। अभी यहाँ पर पानी कम होने के कारण सभी लोग मेन बीच के पास में ही हैं। यहाँ पर ऊंट, घोड़े और एटीवी सैंड बाइक्स चल रही थी और साथ में ऐसी कई स्टॉल्स भी थी। हमने अपने लिए दो भुट्टे रोस्ट करवाए और बीच पर उसे खाने का मजा लिया। वहाँ शाम के वक्त का हमें टाइम लैप्स शूट किया था। चलिए अब चलते हैं सबकी फेवरेट जगह नारगोल बीच की तरफ। वहां जाते हुए बीच में वरोली रिवर आती है, जिसके साउथ एरिया में उमरगाम टाउन और उमरगाम बीच आता है और नॉर्थ एरिया में नारगोल बीच है। सनसेट के वक्त यहां पर काफी कमाल के नजारे दिखते हैं। हमें वहां दूर एक बोट दिखी जो सन के रिफ्लेक्शन के साथ परफेक्ट वॉलपेपर जैसा बना रही थी। यहाँ पर जेटी होने के कारण दोनों किनारे बोट्स से भरे पड़े थे। यहाँ अभी शायद 300 से 400 ऐसी बोट्स रखी हुई है, जो इस गोल्डन सनसेट की लाइट में और भी कमाल के व्यूज बना रही थी। पर सबसे ज्यादा तो हमें ये व्यू ही पसंद आया। वहाँ काफी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम आगे बढ़े। उमरगाम से नारगोल का लगभग 8 किलोमीटर का रास्ता है। नारगोल बीच के लिए हमें इस गेट में से अंदर जाना है। सौ से 150 मीटर के बाद हम मेन बीच और नारगोल इको टूरिज्म के पास आ जाते हैं। यहाँ गाड़ी पार्क करने की यही जगह है। रास्ते के साइड में हमने भी अपनी गाड़ी पार्क कर दी और बीच की ओर जाने लगे। यहाँ अभी अभी वलसाड दक्षिण वन विभाग के द्वारा नारगोल इको टूरिज्म सेंटर बनाया गया है, जिसके अंदर हमें ऐसी कई सुविधाएं अवेलेबल कराई गई है, जैसे कि यह बैठने की जगह, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड और रिलैक्स होने के लिए ऐसे झूले।
इस इको टूरिज्म को 8 मार्च 2024 के दिन लोकार्पण किया गया था। वहां सरू के पेड़ की परछाई सनसेट के टाइम पर इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हमने कई सारे फोटोज क्लिक किए, फिर भी कम ही लग रहे थे। यहां इन पेड़ों की और बीच की खूबसूरती के कारण कई लोग पहले प्री वेडिंग और अलग अलग फोटोशूट करवाने आते थे, जो पहले बिल्कुल फ्री था, लेकिन अब यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है और इसका चार्जेस भी लगाते हैं, जो पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। वहाँ पर काफी टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम मेन बीच पर जाने वाले थे। मेन बीच पर से ये सरू का जंगल काफी स्टनिंग लगता है। यहाँ पर भी बीच पर कैमल और हॉर्स की राइड अवेलेबल है। नारगोल और उमरगाम बीच यहाँ के क्लीन पानी के लिए भी जाने जाते हैं। ये किनारे के पास ज्यादा गहरा नहीं है, इसलिए पर्यटकों को यहाँ नहाने का ज्यादा मजा आता है। हमने यहाँ काफी टाइम स्पेंड किया, एंजॉय किया और सूरज ढलने के बाद वापस घर की ओर निकल पड़े। आपको ये बीच कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Ha ha!